नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन और हमारी आज की रेसिपी है सिंपल पुलाव। सिंपल पुलाव बनाने के अज्जा: चिकन 1 किलो, प्याज 2 दरमियानी साइज, साबत गरम मसाले यानी काली इलायची 2 अदद, हरी इलायची 4 अदद, लौंगे 8 से 10 अदद, साबत काली मिर्चें 8 से 10 अदद, साबत जीरा 1/2 टीस्पून, तेज़पत्ता 1, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हसबे जायका, ऑयल हसबे ज़रूरत, चावल 1 किलो। सिंपल चिकन पुलाव बनाने का तरीका: सबसे पहले आप एक कुकिंग पैन में 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करें और उसमें 2 दरमियानी साइज प्याज स्लाइस में कटी हुई शामिल करें और उनको गोल्डन फ्राई कर लें। जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए तो उसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और हल्का सा पकाएं। जब लहसुन अदरक की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें 1 किलो चिकन शामिल करें और उस वक्त तक पकाएं जब चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए। जब चिकन का अपना पानी खुश्क हो जाए तो इसमें साबुत गरम मसाले यानी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंगे, काली मिर्चें, ज़ीरा और तेज़पत्ता शामिल करें। साथ ही इसमें दार चीनी की स्टिक्स शामिल करें। जब गरम मसाले की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो इसमें 4 से 5 कप पानी शामिल करें। पैन कवर करें और चूल्हे की आंच को हल्का करके चिकन को उस वक्त तक पकाएं जब चिकन गल जाए। जब चिकन गल जाए तो इसमें 1 किलो चावल जो कि आधे घंटे पहले से भीगे हुए हों वो शामिल करें। याद रहे, चावल शामिल करने के बाद चिकन की यखनी या पानी इतना हो कि वो चावलों से 1 इंच ऊपर हो। अगर चावलों से 1 इंच ऊपर ना हो तो इसमें आप पानी शामिल करके उसे चावलों से 1 इंच ऊपर कर लें ताकि हमारे चावल आसानी से खिले खिले बॉयल हों। इसके बाद पैन कवर करें और जब पानी में बबल्स बनने लगें तो एक दफ़ा चिकन और चावलों को अच्छा सा मिक्स कर लें और फिर पैन कवर करके चूल्हे की आंच हल्की करके 10 से 12 मिनट के लिए चिकन पुलाव को दम के लिए रख दें। 10 से 12 मिनट के बाद आपका मज़ेदार सा चिकन पुलाव तैयार है। ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए